बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हंगू हेडलाइन के प्रोग्राम टाकरा में आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मलक ज़ाहिदुल्लाह औरगज़ई साहब, जो बाबुल सलाम मेडिकल सेंटर के एमडी हैं और औरगज़ई डिस्ट्रिक्ट की मुमताज़ समाजी शख्सियात में इनका शुमार होता है। आज हम इनसे ज़िला हंगू औरगज़ई में जो समाजी सूरत हाल है उसके तनाजर में बात करेंगे। इसके अलावा इनके जो अज़ायम हैं सियासत के हवाले से और समाजी खिदमात के हवाले से और आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से, इस बारे में भी इनसे बात होगी। मलक साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि आपका ताल्लुक औरगज़ई के किस कबीले से है और आपकी पहचान क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इधर आया और इस कीमती टाइम मुझे दे दिया, मेहरबानी। मैं औरगज़ई कौम अली हिल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कौम जी, और इधर हंगू में बाबुल सलाम मेडिकल सेंटर चलाता है जो लोगों को रिलीफ मिल गया। मलिक साहब, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, ये मेडिकल सेंटर बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? ये मेरा वालिद साहब हजी मलिक वारिस खान जी ये सोचता कि मैं सारा उम्र बाहर गुजरा दुबई में जी। इसकी वजह से उसने एक बात ये समझा कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं कि लोगों को खिदमत करें। जो लोग पैसे कमाते हैं किस किस तरीके से कमाते हैं, लेकिन उसने ये भी दिल में सोचा कि लोगों को ये रिलीफ मिल गया इलाके में, जो गरीब लोग हैं इधर काम करते हैं नो लोगों। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की और जो पैसे इकट्ठे किए उनको हंगू में इन्वेस्ट किया ताकि हंगू के अवाम को रोज़गार भी मिले। और यहाँ के अवाम जब इलाज मुआलजे के लिए पेशावर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो उनसे भी इनकी जान जो है वो छूटे और इनको बेहतर सेहत की सहूलियात यहाँ पर मिले। आप ये बताएँ कि आपका ये मेडिकल सेंटर जो है, यहाँ पर जो आपका स्टाफ है, इनमें कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो अवाम को मिल सकती हैं और यहाँ के जो अवाम है किस किस्म की बीमारियों के सिलसिले में इस मेडिकल सेंटर से इस्तफादा कर सकते हैं? आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ सर्जन है, डिस्ट्रिक्ट सर्जन है स्पेशलिस्ट जी, जनरल सर्जन है, एनटी सर्जन है, आई है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये सब ऑपरेशन इधर करते हैं। स्टाफ हमारे साथ है, क्वालिफाइड स्टाफ है और हॉस्पिटल भी हमारा आपने देख लिया था जी, वो भी साफ़ सुथरा माहौल किया है। आमतौर पे ये कहा जाता है मलिक साहब कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये मेडिकल सेंटर्स हैं, यहाँ पर अवाम को जो सहूलियात मैसर हैं इन पे बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, इनकी फीसें ज़्यादा होती हैं, इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इनमें कहाँ तक हकीकत है? वो जो लोग बातें करते रहते हैं, जब आई और इधर बैठकर और सोच समझ से बात करी तो हमने लोग समझाया कि ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसी टाइम पर तकरीबन मैं 700 रुपये कमरा 24 घंटे पर लेता हूँ, 700 रुपये 24 घंटे के लिए, 24 घंटे 700 रुपये। इस वक्त में इतना गुजारा करते, सही बात है। अच्छा मलिक साहब, एक बात तो बताएं कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? बहुत ज़्यादा खुश हैं, अंदर से मुतमिन हैं, या आप क्या वजह है कि आजकल तो हर एक इंसान जो है वो मुश्किलात में गिरा हुआ है, शिकन चेहरे पे शिकन होती है, परेशानियाँ होती हैं, आपकी इस खुश अखलाकी का मुस्कुराहट का राज क्या है? इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, आप तो बहुत खुश हैं, लेकिन मैंने ये दिल में कहा कि अगर खौफज़दा है या परेशानी में मुब्तला हूँ, परेशानी और खुशी आला देते हैं, इंसान कुछ को नहीं देते, नो इसकी वजह से मैं हर वक्त खुश रहता हूँ कि जो दूसरे लोग या आपके साथ मिले तो आप भी खुश हुए, नो ये मेरे बस। ज़ाहिदुल्लाह साहब, हम जाते हैं फाटा की तरफ, फाटा का सेटल एरिया के साथ इंतज़ाम हुआ है और कबायली इलाकों की जो असियत है वो ख़त्म कर दी गई है, बकायदा उनको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है, क्या ये कबाइल के मुफाद में है या कबाइल इस बारे में तहफ़ुज़ात रखते हैं?
लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो जम कबीली लेकर जम हो चुके हैं वो बरा इनाम जो कर ना था वो नहीं करेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि वो तो ये सूबे का हिस्सा तो बना दिए गए हैं लेकिन उनको मराहत नहीं दी गई, वो सहूलियात नहीं दी गई, नहीं नहीं जिनका जिनके ऊपर उनका हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नो तो कैसे जम कागजी कार्रवाई में तो कहते हैं कि अरबों रुपए की हमने प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं गए, इधर गया वहाँ पे अली खिल में गया देख लिया क्या करते सही है। ये मलिक साहब ये बताएं कि आप लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पे वार ऑन टेरर जो थी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, इसमें आपने अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी अदारों के शाना बशाना जानों के नजराने पेश किए हैं। 8-10 साल तक आपके लोग जो है वो माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में आबाद हुए, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं आप लोगों ने, क्या इन तकलीफ़ों का सिला आपको मिला है? मुश्किल सवाल है यार मेरे भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी समझते हैं सब कबाइल लोग, लेकिन पख्तूनों के साथ कुछ करते हैं सब देख लेते हैं, ज़्यादती करती है। मैं अब भी पाकिस्तानी हूँ, पहले भी बीता, अब बाकी भी रहेगा इंशाल्लाह। फौज और सब इदारे पाकिस्तान के साथ मिलकर इंशाल्लाह मदद करेगा तो, लेकिन मुझको जो चाहिए था वो नहीं मिला। बड़े दुख की बात है ये, आप बड़े आप जो बात कर रहे हैं ये अपने दिल से आपका दर्द है जो आपकी ज़ुबान पे आया है कि हमारी जो कुर्बानियाँ थी उनका वो सिला नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। बिल्कुल जी, आपके बच्चों का बुनियादी हक है कि उनको तालीम मिले, उनका बुनियादी हक है कि वो जब जवान हों तो उनको रोज़गार मिले, आपके बच्चों का ये बुनियादी हक है कि उनको अपनी ज़मीन पर अख्तियार मिले, लेकिन आप समझते हैं कि ये कुछ अभी तक हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसकी वजह क्या? बस आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी कमज़ोरी है, मशरान की कमज़ोरी है, लीडरशिप की का फुकदान है, या जो पाकिस्तान के अदारे हैं, हुकूमत है, वो कुछ नहीं करना चाहती आपके लिए? बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, जो सियासी है, जो मशरान है, इलाके वाला जो लोग है, समाजी है, सियासी है, सब लोग एक दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं, इसकी वजह से इलाका पसमानदा करते हैं। बल्कि साहब ये आपका जो है ना, मैंने देखा है कि आपने समाजी फील्ड में भी बहुत काम किया है, बहुत से इलाकों में आपने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, खेलों के प्रोग्रामों का आपने इनेकाद किया है, आपने एक अपनी टीम भी बनाई थी जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे थे, आपकी टीम का नाम क्या था और जो गुज़श्ता जो मुकाबले हुए हैं आपकी टीम ने उसमें कितनी कामयाबी हासिल की? बस मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं एक शौक था कि लोग होश रहे अपने दिल से, जो लोग होश थे सब होश हैं, इससे मुल्क तरक्की करेगा खुशहाली में, वो जो गम है गम हो सबको परेशान करते हैं। खेल जो आपने बताया, नो मैं पख्तून टीम के स्पॉन्सर हूँ, 2 बार फाइनल जीत गया बगोटो जी सुपर लीग, नो जो लड़की इधर आया था वो खुश के लिए जी। तो इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि नौजवान नस्ल को सेहत के मंद सरगर्मियों की तरफ रागब करके हम उन्हें अखलाकी समाजी जो मसाइल हैं उनसे बचा सकते हैं, नौजवान नस्ल को पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जाना चाहिए। मलिक साहब ये बताएं कि तब्दीली के नाम पर हुकूमत बनी, करप्ट लोगों के एहतसाब की बात हुई, आप क्या समझते हैं कि खान साहब की जो हुकूमत है वो 2.5 सालों में अपने मकासद में कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? मैं सियासी लोग नहीं है। आप सियासी नहीं है? नो इस तरह के इमरान खान अच्छा ईमानदार आदमी था, लेकिन इसके साथ जो टोला है वो आप भी समझते हैं कि पीपल से आया, अब नून लीग से, नेशनल वगैरह वगैरह टू इसके टोले में है, वो नहीं करते जो इमरान खान करेगा चाहता है। सही, इसकी वजह से ये परेशानी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़े बड़े मसाइल कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, गुर्बत है, जो कुछ नहीं कर सकते लोग, तकरीबन सारे लोग हैं जो रोजगार नहीं मिलते वो क्या करेगा, बहुत परेशानी, महंगाई है। मैं इमरान खान साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे वफा की हुकूमत को, कि जो महंगाई है उस पर काबू पा ले, हमारे लोग बहुत गरीब है, जो भी कर सकते हैं कर ले, सिर्फ महंगाई
गरीब आदमी के लिए चीनी, दाल, आटा, घी वगैरह। मलिक साहब, ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन जो जमहूरियत की रूह हैं और मकामी सतह पर अवाम के नुमाइंदों का इंतखाब करना ताकि वो अवाम के बुनियादी मसाइल हल कर सकें, ये बहुत ज़रूरी एक सेटअप है। लेकिन हमारे मुल्क में जब भी कौमी असम्बली और प्रोवेंशल असम्बलियाँ बनती हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए? अभी बिल्कुल होने चाहिए। इसकी वजह से कि हर इलाके में एक मेंबर बनाया, वो आवाज़ उठते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, इसकी वजह से इलाका डेवलपमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक ज़ायदुल्लाह औरगज़ई साहब जी। ये थे मलिक ज़ायदुल्लाह औरगज़ई, बाबुल मदीन बाबुल सलाम मेडिकल सेंटर के MD और मुमताज़ और सदाबहार मुस्कुराती हुई शख्सियत। आज हमने, अगरचे ये सियासी शख्सियत नहीं है, लेकिन इन्होंने सियासी सवालात के भी बड़े खंदा पेशानी से जवाब दिए हैं, और इन्होंने जो भी जिन ख्यालात का इजहार किया है, मैं समझता हूँ उन्होंने दिल की गहराइयों से किया है, और अच्छा लगा इनसे बात करके, और इनके अजायम परखने का, इनकी खिदमात को सामने रखने का हमें मौका मिला है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।